हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई की सब्जी। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी मेथी, 250 ग्राम मेथी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के काट के रखा है और बहुत अच्छे से पानी में धोया। और ये है मेरी आधा केजी मटर, जो कि अभी सीजन है मटर का, तो ये ताज़ी मटर है, बिल्कुल फ्रेश। फ्रोजन मटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मिल रही है तो ये ताज़ी है। और ये हैं दो टमाटर, इसमें मैंने यूज़ किया 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। अदरक अलग भी मैंने रखी, इसमें बहुत थोड़ी सी डाली है। और ये है मेरी फ्रेश मलाई, दूध की, दूध से निकाली हुई मलाई है। और ये है थोड़ा तेल, उसके लिए मुझे चाहिए ये अलग से अदरक भी है, थोड़ा जीरा, थोड़ी हींग और थोड़े से कुटे हुए गरम मसाले, साबुत मसाले मैंने कूट के रखे हैं, नमक और थोड़ी चीनी। और ये है आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और आधी चम्मच से भी कम हल्दी। तो चलिए मैं बनाती हूँ सब्जी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस ऑन करी, और मैं ये सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको मटर। ये मैंने मटर सारी एक अलग पैन में ले लिए, जिसको मुझे करना है थोड़ा सा बॉयल। इसी में मैं ऐड कर दूंगी मेथी। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर डायरेक्ट उतनी टेस्टी नहीं बनती है, इसे थोड़ा सा आप उबाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैंने मेथी को रख दिया इसमें, इसे मैं ढक के उबलने दूंगी। और इसको मैं रख दे रही हूँ दूसरी गैस पर, कुछ इस तरीके से। और इस पर मैं चढ़ा दे रही हूँ अपनी कढ़ाई। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और इतनी देर में मैं मसाला तैयार करूँगी, मटर इस पर उबल जाएगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। मटर मेथी दोनों चीज़ें एक साथ सॉफ्ट हो जाएंगी। ये मेरी कढ़ाई होगी, मैं और चीज़ों की तैयारी करती हूँ। जो हमने मेथी और मटर उबलने रखी, उसमें हमें आधा कप करीब पानी डाल देंगे, और बाकी पानी मेथी में तो निकलेगा ही, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो जल्दी से उबल जाए। अब ये देखिए, मेरी कढ़ाई हो चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, इतना तेल काफ़ी है। ये देखिए फ्रेंड, तेल हो चुका है लगभग, मेरा काफ़ी गर्म हो गया। मैं थोड़ी सी गैस को कर रही हूँ सिम, और इसमें मैं डालूँगी जीरा। जीरा तड़क रहा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच के करीब हींग। और जो ये मैंने रखी है अदरक करीब आधा टुकड़ा, एक छोटी सी अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके, अदरक को बहुत बारीक मैंने कद्दूकस की सहायता से ग्रेट करके रखा है। और थोड़ी सी अदरक मैंने टमाटर के साथ भी पीसी है। अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाले, जो है 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हींग। गैस को सिमी रखा है, क्योंकि इस मसाले में पानी नहीं डाला है, तो वरना एकदम से ये जल जाएंगे। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, पिसा हुआ टमाटर है, बल्कि आप पीस के डाल सकते हैं, मैंने इसे बारीक बारीक कद्दूकस किया। टमाटर में ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, वो डाली है,
और आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं 4 से 5। काजू को थोड़ा सा आप पहले भिगो के रखें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। पर मैंने काजू नहीं यूज़ किए हैं आज, मैंने केवल टमाटर लिए हैं ये, और टमाटर को भी मैंने कद्दूकस किया है, पीसा नहीं है अभी। टमाटर थोड़ा सा भुनेगा इसमें। ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया था, इसमें एक काली बड़ी इलायची थी, एक सफ़ेद इलायची थी, 5-7 काली मिर्चें थी और 2-3 लौंग थी। इन सबको मैंने मसालदानी में कूट लिया। थोड़ा सा हमने पिसा हुआ मसाला यूज़ किया है और थोड़ी सी ये साबुत खड़े मसाले हमने मसालदानी में कूट के यूज़ किए हैं, मोटे मोटे से, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। ये जब तक मसाला भून रहा है, टमाटर 1 मिनट इसे भूनने दो, ढक दे रहे हैं इसको। और दूसरी गैस पर हमें ये मटर को चेक करना है। इसमें क्या होता है, उबाल, अलग से मटर को उबालने में हमारा ये बेनिफिट है, थोड़ा हमारे पास टाइम बचता है। और ये मेथी की कड़वाहट भी हल्की हल्की निकल जाती है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है मटर, अभी थोड़ी सी टाइम और लगेगा, 1 मिनट और होने देती हूँ मैं। गैस को सिम कर दे रही हूँ, इतने में इसे चेक करती हूँ। मसाले भुन गए हैं और टमाटर भी अच्छे से भुन गया है, तेल भी अलग अलग हो रहा है इससे, मसाले से। अब हमें इसमें ऐड करनी है मलाई। ये मेरी दूध से निकाली हुई ताजी मलाई है, आप मार्केट की क्रीम भी यूज कर सकते हैं, इतनी सब्जी के लिए इतनी मलाई काफ़ी है। इसको लगातार चलाते हुए, मलाई है जाए कढ़ाई में लग सकती है, थोड़ा सा आप इसे चलाएं, अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो जाएं। और अपनी सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक भी यूज़ करना है, तो ये नमक मेरा ठीक है। ग्रेवी में ही मुझे चीनी डालनी है, चीनी सिर्फ 1 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये मेरी 1 चम्मच ही चीनी है। इसे हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 1-2 मिनट में ही तैयार हो जाएगी, थोड़ा मलाई भी भून जाए। हमारी ग्रेवी भी तैयार है, इसमें सारे मसाले मिक्स हो गए अच्छे से और ये ग्रेवी ठीक हो गई। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा पानी, अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है, कितनी थिक खानी है या पतली खानी है उस हिसाब से आपको खाना।
इसमें मैंने पूरा ये एक कटोरी भर के पानी यूज़ किया है। अब इस ग्रेवी में उबाल आने तक इसे पकाना, इसे ढक दे रही हूँ, 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया। अब इसमें ऐड कर दूंगी उबली हुई मटर और मेथी। मैं इस मटर को डायरेक्ट इसमें ऐसे ही डाल दूंगी। ये मैंने सारी इसमें उबली हुई मटर और मेथी डाल दी है। अब इसमें क्या है, काफ़ी लोग मेथी की कड़वाहट को कम पसंद करते हैं, तो आप इसे पूरा पानी छान के केवल मेथी और मटर ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा पानी भी लिया है क्योंकि वरना मेथी का सारा फ्लेवर निकल जाएगा। और जो लोग कड़वाहट नहीं पसंद करते मेथी की, उनको छान के यूज़ करना है। अब इसको भी मुझे गैस को सिम करके करीब 4-5 मिनट तक पकाना है। देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये मेरी सब्जी तैयार है। 5 मिनट हुए हैं और सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे हॉट केस में निकाल ले रही हूँ, सब्जी गैस बंद कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। और 5 मिनट ही मैंने और पकाई है ये सब्जी, बन गई है। अब मैं इसे कैसरोल में निकाल रही हूँ। देखिए मेरी मटर मलाई मेथी सब्जी तैयार है। और ये काफ़ी हैवी सब्जी होती है, इसमें जो है क्रीम और काजू पेस्ट यूज़ होता है, पर मैंने काजू नहीं यूज़ किए हैं। और ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसी बनी है मटर मलाई मेथी की सब्जी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।